पब्लिक टीवी आपकी आवाज। दीवार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के बैनर तले अधिवक्ताओं ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले की घोर निंदा की और शहीद हुए 40 से अधिक वीर जवानों के लिए अपने कार्यालय पर 2 मिनट का मौन रखा। साथ ही प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि अधिवक्ता समाज पूर्ण रूप से देश के शहीदों के साथ है और शहीद हुए जवानों के परिवार को इस दुख की घड़ी में अधिवक्ताओं का समर्थन प्राप्त है। साथ ही आज अधिवक्ताओं ने आतंकवाद का समर्थन करने वाले देश के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। पुलवामा में जो आतंकवादी हमले में 40 जवान शहीद हुए हैं, आज बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं में महारोष। उस रोष को देखते हुए आसपास के जनपदों में भी हड़ताल है और शोक संवेदना व्यक्त हाउस और शोक संवेदना के साथ एक ज्ञापन दिया गया, शोक प्रस्ताव भी दिया गया और डीएम के माध्यम से ये ज्ञापन दिया गया कि राष्ट्र सरकार इस आतंकवाद को रोकने के लिए कठोर से कठोर जो कदम उठाएगी उसमें अधिवक्ता समाज उनके साथ खड़ा हुआ मिलेगा। तो क्या पुतला भी फूंका गया? हमने आतंकवाद का और आतंकवाद के समर्थन करने वाले जो राष्ट्र हैं उनका पुतला।